बाला साहब मेरे पिता समान थे फिल्म दुग उत्तर भारतीय अभिनेताओं के प्रति बेहद आसक्त और मोहित था और जो भी यथास्थिति को चुनौती देता था उसे गिरड़ा की दृष्टि से देखा जाता था मिथुन के अचानक से उभरने और बेपरवाह रवैये ने उनके आलोचकों और उनके प्रतिद्वंदियों को नाराज कर दिया ऐसी अफवाहें थी कि कुछ लोग उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे यहां तक कि उन्हें शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये सभी योजनाएं मुख्य रूप से बॉम्बे के उस एक व्यक्ति बाला साहेब ठाकरे के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण विफल हो गई डैडी जैसा कि मिथुन शिवसेना के संस्थापक और सुप्रीमो को पुकारते थे मिथुन को उनसे पहले मुलाकात में ही पसंद कर लिया था शिवसेना प्रमुख के साथ मिथुन की निकटता उनके आलोचकों को कटाक्षों को दूर रखने और उनके दुश्मनों को दूर रखने वाली ढाल थी ठाकरे के स्नेही हाथ को अपने सिर पर रखने के कारण मिथुन अजय थे और बॉलीवुड में हर किसी के मन में भय और सम्मान पैदा करते थे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जिसे उसकी जरूरत थी मिथुन अपना समय और संसाधन हर किसी उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े विभिन्न आंदोलनों को समर्थन और नेतृत्व प्रदान किया और ये में कलाकारों के बीच आंतरिक कला को समाप्त करने में बेहद सफल रहे कई बार वे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ सीधे सीधे टकराव में भी मिथुन के ईमानदार प्रयास की सबसे खास बात यह थी कि उसी समय उन्होंने मजदूर संघ नामक तकनीसियन संघ का पूरा समर्थन किया और ये ए ए और इस यूनियन दोनों के बीच सचिव बने यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी और यह इस बात को दर्शाता है कि वह कैमरे के पीछे नेतृत्व और समस्या समाधान की भूमिकाओं में कितनी आसानी से फिट हो गए और अधिकांश लोगों ने उन्हें कैसे स्वीकार किया मिथुन का उद्देश्य दोनों संगठनों को एक शक्तिशाली इकाई में विलय करना था इस पूरे प्रयास में उन्हें ठाकरे का पुरजोर समर्थन मिला भले ही मिथुन कभी औपचारिक रूप से शिवसेना के सदस्य नहीं बने उनके बीच का रिश्ता पार्टी और राजनीति से कहीं ऊपर था उनके रिश्ते के बारे में कई कहानियां बनी जिनमें से एक उस समय की जब मिथुन कुछ वित्तीय संकट से गुजर रहे थे और उन्होंने ठाकरे से दो लाख रुपये से अधिक का कर्ज लिया था जब वह पैसा चुकाने के लिए ठाकरे के पास गए, तो उन्होंने मिथुन को उम्मीद नहीं करता कि वा उसे वापस करेगा। जाहिर है मिथुन ने उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं की यह व्यक्तिगत रिश्ता मिथुन के वामपंथी विचारधारा वाले इतिहास के बावजूद पनपा जो शिवसेना के बिल्कुल विपरीत था ठाकरे ने एक बार स्टारडस्ट के साथ इंटरव्यू में कहा था यह भगवान है जिसने हम दोनों को एक दूसरे के करीब लाया है मिथुन शिवाजी महाराज के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मिथुन भी मैं मिथुन को लंबे समय से जानता हूं मैं उनकी लड़ाई की भावना को पसंद करता हूं और उनकी सच्चाई की सराहना करता हूं मिथुन ने अपनी उदारता का जवाब देते हुए कहा कि नेताजी के अलावा दो लोग जिनके मैं वास्तव में सम्मान करता हूं प्रशंसा करता हूं वह है ज्योति बासु और बाला साहब ठाकरे जब संजय दत्त को आतंकवाद विरोधी कानून टाड़ा के तहत अवैध हथियार रखने के आरोप में बॉम्बे पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो शुरू में ठाकरे ने संजय की आलोचना की और उनकी जमानत के सख्त खिलाफ थे लेकिन डेढ़ साल बाद उसी व्यक्ति ने संजय को जमानत देने के पक्ष में बात की और अभिनेता के यह मिथुन द्वारा निभाई गई भूमिका थी मिथुन ने ठाकरे से मुलाकात की और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई उन्होंने ठाकरे से कहा कि एक बहुत ही गलत धारणा और कहानी बनाई जा रही है कि बॉलीवुड पूरी तरह से दाऊद और उसके गुर्गों का है इससे इंडस्ट्री और इसकी छवि को बहुत नुकसान हो रहा उन्नीस सौ के विधानसभा चुनाव के बाद जब सेना सत्ता में आई तो पूरे शहर में भारी विजय जुलूस और भीड़ उमड़ी अपेक्षित रूप से इन जुलूसों में बहुत कम या कोई अनुशासन नहीं था और कई स्थानों पर घंटों तक यातायात जाम रहा वाहन रेंग रहे थे और शिवसेनिक कि भारी संख्या और आक्रामक रवैये के कारण हर कोई घबराया हुआ था गाड़ियां गुलाल से ढकी हुई थी और उन्हें कभी कभी सैनिकों की लातें और लाठियां भी खानी पड़ती थी उस भीड़ में मिथुन की चमकदार लाल मारुति भी फंसी हुई थी मिथुन कार में नहीं थे और उनका ड्राइवर काफी घबराया हुआ था उन्होंने हाथ जोड़कर सैनिकों से उनके लिए रास्ता करने का अनुरोध इस दुस्साहस के लिए सैनिक उनकी पिटाई करने के लिए तैयार थे तब ड्राइवर ने उन्हें बताया कि कार मिथुन की है और सब कुछ बदल गया कार को गुजरने के लिए किसी तरह एक संकीर्ण रास्ता साफ किया गया 1995 में जब ठाकरे की पत्नी मीना ताई का निधन हुआ तो मिथुन पूरे दिन साए की तरह उनके साथ रहे जैसे ही वह ठाकरे के पास पहुंचे शिवसेना प्रमुख ने उनके हाथ पकड़ लिए और एक बच्चे की तरह रोने लगे यह पहली बार था जब लोगों ने बालासाहेब ठाकरे को इस तरह रोते हुए देखा था मिथुन एक बार फिर उनके साथ थे जब उनके सबसे बड़े बेटे बिंदु माधो जो एक फिल्म निर्माता थे कि एक साल बाद 20 अप्रैल को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती और बाला साहेब ठाकरे का रिश्ता बहुत ही करीबी रहा है और दोनों का रिश्ता बहुत ही पारिवारिक तो उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक